दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 35x50 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे हैं, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपलेस्ट प्लान है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और यहां पर मैंने फ्रंट में जो एक बारंदा दिया है लगभग 12 फिट का, और इसका लुक जो है ये आपके घर को एक डिफरेंट लुक देता है। जो फ्रंट एलिवेशन है ये डिफरेंट लुक देता है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे, सर 35x50 में विलेज हाउस प्लान बताइएगा। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो यहाँ ये 3 साइड क्लोज्ड है, फ्रंट में ही ओपन है। पूरा डिस्कस करेंगे हम बारी बारी से। और आप बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूँ वन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं जो आप वॉच कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप कोई भी घर का नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं, घर, स्कूल, कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है। पेड सर्विस के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है 50% एडवांस, और मैं आपसे बात करके आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें और पूरी जानकारी लेकर आप अपने हाउस को क्रिएट करा सकते हैं। लेकिन आप पेमेंट तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्य किसी को पेमेंट बिल्कुल ना करें। साथ साथ आप तभी कांटेक्ट करें जब आपको घर बनवाना ही हो। मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि ये पेड सर्विस है हमारी, तो आप तभी कांटेक्ट करें। तो चलो इस मॉडल को डिस्कस करते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका कॉस्ट भी बताऊँगा, इसमें घर को बनवाने में कॉस्ट कितना लगेगा। सबसे पहले रेलिंग की बात करते हैं। तो रेलिंग जो है राउंड कलर का, दोस्तों आप देख पा रहे हो ये आप इतनी से व्हाइट कलर के रेलिंग, साथ साथ ये डिजाइनिंग के पर्पज से मैंने कुछ क्रिएट किया है। और ये जो डोर है, ये बारंदा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही स्टाइलिश आपको देखने को मिलता है। ये देखिए पिलर वगैरह, यहाँ पर एक आपका बड़ा सा पिलर है, साथ साथ फिर इसके बाद छोटे छोटे पिलर्स हैं जो कि राउंड कलर के आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अब आपको बहुत ही प्रॉब्लम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा फ्रंट का व्यू, ये स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, ये किसी कहीं से भी आप चढ़ सकते हैं, स्पेस है। और ये आपका रेलिंग का पूरा डिजाइन, सॉरी रेलिंग का बारंदे का डिजाइन फ्रंट का। इसके बाद बारंदा आपको मिल जाता है 12 फिट का। इसके बाद घर स्टार्ट होता है। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। ये दो विंडोज हैं जिससे आप वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं बड़ा सा गैलरी, और इसके बाद हॉल मिल जाता है। फ्रंट में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं जो कि आप एज अ मास्टर बेडरूम या गेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए सेपरेट डोर और विंडो मैंने दिया है। अब हम बात करते हैं ये हॉल की। आप जैसे हॉल पे आते हैं तो इस वाले बेडरूम के लिए अटैच रिलेटेड बाथ मैंने क्रिएट किया। हालांकि इसका जो डोर दिया बाहर से दिया है, आप अंदर से भी देख सकते हैं, तो अटैच्ड हो जाएगा। इस वाले बेडरूम में भी मैंने रिलेटेड बाथ स्पेशल दिया है, अटैच्ड इसे भी कर सकते हैं अगर आप अंदर से डोर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका पूरा किचन एरिया, ये देखिए दोस्तों बड़ा सा किचन एरिया। इसके साइड में जस्ट एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम दिया है बड़ा सा, और ये आपका लेट है, आपका यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं जिसके माध्यम से आप ऊपर जाएंगे। इस कॉर्नर पे एक बड़ा सा हॉल मैंने क्रिएट किया है, और इस हॉल का साइज बहुत ही बड़ा है। ये आपका बड़ा सा एक मास्टर बेडरूम इसे बोल सकते हैं, एक ही बेडरूम, और ये एक आपका गेस्ट रूम। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा सा बाथरूम, दो अटैच रिलेटेड बाथ, और आपका स्टेयर्स मिल जाता है। बड़ा सा डाइनिंग हॉल, ये एरिया जो आप देख रहे हैं एज अ डाइनिंग हॉल भी यूज कर सकते हैं। बारंदे की बात करें तो गांव के हिसाब से अगर विलेज में आप ये घर बनाना चाहते हैं तो सूटेबल है आपके लिए। जगह भी 35x50 है जो कि पर्याप्त होती है। तो ये पूरा मॉडल मैंने डिस्कस किया। अब हम इसके कॉस्ट की अगर बात करें कि इस घर को बनवाने में आपको कॉस्ट कितना लगेगा, तो इसके लिए आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ प्ले स्टोर पर जाकर आप स्मॉल हाउस प्लान यदि सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा कॉस्ट ओवरऑल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। घर को कॉस्ट तैयार करने में, बनवाने में, कंस्ट्रक्ट कराने में कितना मटेरियल लगेगा, साथ साथ उसका कॉस्ट क्या होगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। लास्ट फ्लोर पर मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, चारों तरफ 4 फिट का बाउंड्री, ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, और फ्रंट से ये रेलिंग आप देख पा रहे होंगे ये मैंने डिज़ाइन कर दी है 4 फिट में। और ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, ये आप जो देख रहे होंगे ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से POP का वर्क है। तो ये पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है 35x50 में। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड सर्विस का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस मॉडल के बारे में कोई भी सजेशन कुछ भी है आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने विदेश स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।